हुए मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और उनसे अभद्र भाषा के किए जा रहे बातों के लिखित शिकायत शाखानो न्यूज की टीम ने शताब्दी के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप आंगरे को दी, जिन्होंने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रविवार 25 मार्च कांदोली चारकोप से लेकर विलेपार्ले पश्चिम तक का इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। सुबह 3 बजे से 7 बजे तक बिजली की कटौती मेट्रो 7 के कार्य के लिए की जा रही है। बांद्रा पूर्व के सरकारी इमारतों की हालत काफी खस्ता, जिसके कारण बीएमसी ने बांद्रा परिसर के 1693 घरों को नोटिस भेज बिजली काटने को कहा। पवई चांदोली में एक माँ की एक ऐसी ममता है जो अपने ही सगे बेटे को लस्सी मांगने पर बेरहमी से मारा और पूरे शरीर को जलाया। इस माँ को अपनी हरकत पर जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। भांडुप में सब्जी का ठेला लगाने को लेकर हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के नाम है 50 वर्षीय गुलाम अब्दुल अली खान, 20 वर्षीय शहबाज और 15 वर्षीय शादा। ट्रक ड्राइवर का कंट्रोल खोने से वाशी से पुणे जा रहा ट्रक फ्लाईओवर की दीवार पर चढ़ गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मुंबई पुलिस की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अनूठी पहल। महिला पुलिस की पहली संतान बेटी हुई तो मुंबई पुलिस देगी 5,000 रुपए। पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही एसी लोकल से अच्छा प्रतिसाद नहीं मिलने के बावजूद अब एक और एसी लोकल चलाने का निर्णय पश्चिम रेलवे ने लिया। बीएमसी अस्पताल ने जारी किया हेल्थ कार्ड, एक क्लिक पर उपलब्ध होगी सारी मेडिकल हिस्ट्री। बीएमसी ने अब तक 9,307 मरीजों को हेल्थ कार्ड जारी कर दिया। सितंबर 2017 से फरवरी 2018 तक यानी पिछले 6 महीनों से महाराष्ट्र तट रेखा पर तैनात 300 से अधिक निजी सुरक्षा तट रक्षक को नहीं मिली सैलरी। संजय दत्त के जीवन पर आधारित एक किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय बाजार में आई है। इस किताब को लेकर संजय दत्त काफी नाराज है। उन्होंने इस किताब के प्रोड्यूसर के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन टीम ने मोहम्मद शमी को फिक्सिंग के आरोप से बेइज्जत बरी कर दिया। साथ ही बीसीसीआई ने शमी का कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया। आप प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए शाखा 9 चैनल को। थैंक यू।